साथ एमएस तीनों इंडिया कमांड में है, इट इज अ गुड बैटिंग बाय जयसवाल एंड केएल राहुल. आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जयसवाल. लेकिन देखिए आप केएल राहुल की समझदारी देखिए, कितना आराम से तसल्ली से उसने अपने आप को सेटल इन किया, मुश्किल टाइम गुजारा. बॉल जब बल्ले पे आना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने फेंटा भी लगाया. दोनों बहुत अच्छा खेले. राहुल इस तरह समझा रहा था जैसे एक बड़ा भाई नहीं समझाता, देख रहा था मैं, पॉइंट्स बना रहा था, उसने उसी तरह समझाया. ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त बुरे हालात में है क्योंकि सपोर्ट बहुत ज्यादा हासिल है. नॉट आउट रहे थे जब तक मैंने देखा था, जयसवाल बहुत अच्छा खेल रहे थे, केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे थे. ये एक कम्पैक्ट कम्प्लीट प्लेयर है, जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है स्टॉक को, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया. इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही लेट खेलता है, बहुत पास आके खेलता है, बहुत अपने पास बॉल को लाता है फिर खेलता है. So well done KL Rahul and well done India. ऑस्ट्रेलियन टीम सोच रही होगी कि हम लोग बिल्कुल ही इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, और मेरे ख्याल से जबरदस्त स्टार्ट, जबरदस्त मोमेंटम. इंडिया की टीम को कभी भी अपनी टीम के साथ अभी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते. क्यों? कि उनका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से इंडिया के अंदर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चलता है. एक सौ चार रन पे ऑस्ट्रेलिया बेबस हो गया 150 के जवाब में. 51 ओवर खेले, कितने 51 ओवर्स, और बूम बूम बुमराह साहब ने पंजा लगाया. फाइबर, आप लोग फाइबर बोलते हैं, फाइबर हम बोलते हैं पंजा, और पांचों के पांचों टॉप क्लास बैटर्स को आउट करा, कोई जोड़ नहीं है जी. हर्षित राणा ने 3 आउट करे, आज उसने बाद वाले 2 आउट करे, सिराज ने अच्छे बॉल डाले. 10 ऑस्ट्रेलिया वालों ने आउट करे तो 10 इंडियन बॉलर्स ने आउट करे, फास्ट बॉलर्स ने. किसने? फास्ट बॉलर ने पर्थ, ओ पर्थ हाँ, क्या ऑप्टस बाउंसी ट्रैक, सब बोले तो हो 125 रन भी नहीं करेगी इंडिया दूसरी बारी में. 172 पे मेरे ख्याल कोई आउट नहीं है, डे ऑफ हो गया, तो वो 125 वाले जो है ना वो लिहाफ ओढ़े और सो जाए, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा खेले. राहुल इस तरह समझा रहा था जैसे एक बड़ा भाई नहीं समझाता, देख रहा था मैं, पॉइंट्स बना रहा था, उसने उसी तरह समझाया. ये नहीं, 2 शॉटें बहुत गलत मारी, एक जो लपेटा मारा था जिस पर चौका हुआ था, और एक जबरदस्ती जब निकल के खेल रहा था ना नथन लाइंग साहब को, तो एकदम मैंने बोला ये क्या कर रहा है, लेकिन उसके बाद लगाया छक्का. क्या लगाया? छक्का. वो छक्का नहीं था, अट्ठा था. पहले ही टेस्ट मैच में इन ऑस्ट्रेलिया बड़ी बिग अचीवमेंट है जयसवाल के लिए आने वाले दिनों का. हम तो पहले ही बोलते थे अंडर 19 से पक्का प्लेयर, लेकिन पक्का प्लेयर बीच में कच्चा भी हुआ था, हमने बोला था कच्चा हो गया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो बोंगिया शॉटें मारी थी, लेकिन आज देख के मजा आया. टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं, चाहे आप बॉलिंग करें चाहे आप बैटिंग करें, दिस इज द वे. सेशन टू सेशन 84 रन बनाए पहले सेशन में, और दूसरे में भी ज्यादा बनाए, लेकिन ये होता है तरीका खेलने का. अभी कोई मेरे ख्याल 55 ओवर हुए हैं, कल लंच के बाद ये लाजमी नए बॉल का आसरा लेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे. जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह दोनों ओपनर ने बेबस करा है, 2004 के बाद इन ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स की सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है, बिग अचीवमेंट है जी. किया ना इंडियन बैटर्स ने तोड़ फास्ट बॉलिंग के सामने, पहले सर्वाइव करा सेशन टू सेशन. जहां पे 20-25 ओवर पुराना बॉल हुआ, बॉलर ढीले मोहताज, अब क्या कर रहे हैं? शॉर्ट पिचेस कर रहे हैं. लेकिन जी बुमराह साहब गुड बॉलिंग, मजा आया आपकी बॉलिंग देख के और दोनों की बैटिंग देख के. 90s वाली क्रिकेट याद आ गई कि किस तरह खेलते थे 90s वाले प्लेयर, सेशन टू सेशन जो समझाया जाता था. T20 क्रिकेट ने खराब कर दिया है कंडीशन में, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को पैनिंग कर दिया उसने. विदाउट स्लिप उनको बॉलिंग करनी पड़ी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करनी पड़ी, बाउंसरों पे करनी पड़ी कि आप बाउंसर मारते हैं, लेकिन उसने अपना टेम्परामेंट दिखाया, अपना मैच्योरिटी लेवल दिखाया. शॉर्ट सिलेक्शन देखिए, लिमिटेड की है तो कामयाब हुआ. उसके साथ के राहुल पे कितना प्रेशर था कि मैं ओपन कर रहा हूं, लास्ट टेस्ट मैच है मेरे लिए, कम बैक ये टेस्ट मैच है, गिल ने भी फिट हो जाना, रोहित ने भी आ जाना, तो मैं फिर ना ड्रॉप हो जाऊं. लेकिन ये है टीम वर्क, ये है मैच्योरिटी लेवल, अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, और उतनी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में. आप देखेंगे टेम्परामेंट, 62 पे खेल रहा, अभी 3 दिन टेस्ट मैच पड़े हुए हैं, ये जितनी लंबी पार्टनरशिप जाए उतना अच्छा. और ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से किसी मेहमान टीम ने मेरे ख्याल से इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं लगाई जो जयसवाल ने और के राहुल ने लगा दी है. मैच्योरिटी लेवल, शॉर्ट सिलेक्शन, सारी मैं कहता हूं कि एक जैसी जैसी कंडीशन है उसके मुताबिक खेले हैं, और 218 रन की लीड ले ली हुई है, बन गई हुई है, और अब इसको जितना एक्सटेंड कर सकते जाएं. विराट कोहली आके रन करे, बाकी बैट्समैन है, और ऑस्ट्रेलियन टीम को बिल्कुल टेस्ट मैच से बाहर निकाल दे. और इस वक्त तक मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम सोच रही होगी कि हम लोग बिल्कुल ही इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, और मेरे ख्याल से जबरदस्त स्टार्ट, जबरदस्त मोमेंटम, और
ऑनेस्टली बताऊं कि ये जो ट्रॉफी है, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मैंने ये ट्रॉफी शुरू होने से पहले कहा था कि ये दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये टेस्ट सीरीज जो है ये सबसे ज्यादा देखने वाली बन जाएगी। और आज जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हुई है, जो हिंदुस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ किया, ये ऑस्ट्रेलियन सदियों याद रखेंगे इस सीरीज को, इस टेस्ट मैच को। रहा भी मगर दूसरी इनिंग में उन्होंने कमाल बल्लेबाजी की। मुझे अब भी याद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की वो प्रेडिक्शन, जब ये साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे जयसवाल, उन्होंने उस वक्त कहा था, उन्होंने बोला कि ये जयसवाल लड़का है ना इंडिया का, ये देखिएगा यहाँ पे अभी थोड़ी सी टफ कंडीशन मिल रही है, यानी उन्होंने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया था, उन्होंने बोला जब ये थोड़ी बेहतर कंडीशन में आया तो आपको एक 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 स्टार टाइप का बल्लेबाज लगेगा। और बाब मुझे लगता है कि टफ कंडीशन के अंदर भी वो अपना आप मनवा रहे हैं, उनका एक उनकी आप स्ट्राइक रेट चेक करें, वो केएल राहुल से बेहतर खेल रहे हैं। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अगर पेस अटैक को देखें तो आप अंदाजा करें कि पैट कमिन और मिसेस स्टार्क जो हैं 3+ की इकॉनमी के साथ वो रन दे रहे हैं इस पिच के ऊपर। और ओवरऑल पूरे का पूरा पलड़ा जो है वो भारी हुआ हुआ है इंडिया का, और दो जो लगातार टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुके हैं, और इस बार हैट्रिक होगी टीम इंडिया की अगर वो जीत पाए, उसके लिए पर टेस्ट बहुत अहम है। क्योंकि आप इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए दोनों टीमें बहुत यूनो के रेस के अंदर हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो अपनी तो ये है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक लेगेसी एट स्टेक तो है कि वो दो लगातार पहले हार चुके हैं, अगर इस बार वो ट्रॉफी हारते हैं तो ये उनके लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं होगी, किसी एशियन टीम से वो हैट्रिक करवा बैठे हैं पर्थ में। यहाँ पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारा है, अगरचे ये ऑप्टस स्टेडियम के अंदर 4 मैच खेले, 2018 में आखिरी बार टीम इंडिया वहाँ पर खेली थी, 6 बरस हो गए हैं उसके बाद टीम इंडिया अब यहाँ पर खेल रही है। बल्कि अभी तो लग रहा है कि शायद बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो बुमराह खेले हैं, मगर बैटिंग पर्सपेक्टिव में मुझे अब जयसवाल के ऊपर, इससे पहले भी अगर आपने वो ब्रॉडकास्टर्स के मुख्तलिफ इंटरव्यूज देखे हों जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के उन्होंने किए थे, उन्होंने जयसवाल को बहुत हाई रेट किया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने, उन्होंने उस वक्त माना था कि जयसवाल उनके लिए टफ टाइम हो सकते हैं, ऋषभ पंत हो सकते हैं। ऋषभ पंत ने पहली इनिंग में ठीक ठाक बल्लेबाजी की, मगर वहां पर रेड्डी ने भी अच्छी बैटिंग की थी, 40+ एक ही रन बने थे और वो उन्होंने किए थे। अगर दोनों टीमों को कंबाइन भी देखे जाए तो उनकी बैटिंग बड़ी शानदार रही थी और ऋषभ पंत ने भी की, मगर अभी आगाज जो था वो बड़ा यू नो कि डिफेंसिव था इंडिया का, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बढ़त ली हुई है, मैच हाथ में है। टेस्ट की एक खूबी है कि आपको एक आधा सेशन बुरा पड़े या अच्छा पड़े, आप मैच का रुख बदल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए ना कि 150 पर आउट होने के बावजूद अब इंडिया कुछ सोच सकता था कि दूसरे रोज ही डायरेक्शन नजर आ रही हो कि किस तरफ को मैच जा रहा है। अब ये पर टेस्ट इसलिए अहम है और ये इंडियन बैटर्स को बखूबी मालूम है कि उनको 350-400 से ऊपर रन करने होंगे ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हराने के लिए। और मुझे लगता है कि तीसरा रोज इंडिया का बहुत अहम होगा, क्योंकि लगातार पूरे दिन बैटिंग रहे तो एक तो उनको यू नो के ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर बैटिंग और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है, दूसरा वो जो हदफ देख रहा है इंडिया इस वक्त कि 400+ का अगर टारगेट देंगे तभी ऑस्ट्रेलिया को वो यू नो के नाकू चने चबवा सकते हैं। और ये पर टेस्ट मेरी नजर में बहुत अहम है टीम इंडिया के लिए, खासकर तीसरा दिन बहुत अहम है, वो इसलिए कि आप ये तीसरे दिन के अंदर आप बड़ी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छे रन बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, तो अगले जो 4 टेस्ट मैचेस हैं वो आपके लिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी रहेगा और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में रखने का एक मौका भी मिलेगा। मुझे ज्यादातौर पर लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी बैकफुट पर जरूर है, खासकर जब दूसरी इनिंग उनकी बैटिंग की आएगी, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पिच थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट कर रही है और यहां पर बुमराह वर्सेज ऑस्ट्रेलियन बैटर्स एक बार फिर देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मैं ये नहीं कहूंगा कि खौफ है, एटलीस्ट इंपैक्ट जरूर है जसप्रीत बुमराह का ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के ऊपर, और ये दूसरी इनिंग में देखना है कि वो उस इंपैक्ट को माइनस करते हैं या बुमराह एक बार फिर अपनी धाक बना रखेंगे। क्योंकि अभी एक एक इनिंग का दोनों का हुआ है, उस एक एक इनिंग में 46 रन की बढ़तरी इंडिया को मिली है। अब दूसरी इनिंग एक तरह से शुरू हुई और टेस्ट होता है ऐसा ही हमेशा कि आपको अच्छे सेशन की तलाश। देखा इंडिया कितनी बड़ी लीड के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये पहला अभी तक उनका मैच जो है वो अपना खत्म नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त बुरे हालात में है, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज्यादा हासिल है, नॉट आउट रहे थे जब तक मैंने देखा था, जयसवाल बहुत अच्छा खेल रहे थे, केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर, न्यूजीलैंड से अपने मैदानों में हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट किया है, दिस इज नोन एज द परफॉर्मेंस एंड दिस इज समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। देखिए इंडिया जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया उन्होंने, हाँ दुनिया में कप्तान उसी को बनाया जाता है जो टॉप परफॉर्मर होता है, जो टॉप परफॉर्मेंस के साथ टीम के साथ चल रहा होता है, मैच जितवाता है। मुझे बताएं पाकिस्तान के की तरफ बाद में आते हैं, मैं उसी के ऊपर आना चाह रहा था कि देखिए पाकिस्तान कप्तान किसको बनाता है, सलमान अली आगा को आपने कप्तान बनाया, टॉप परफॉर्मर था, नहीं था ना। इसी तरह इंडिया के अंदर एक पॉलिसी है, बैट्समैन था आपका, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लोअर मिडिल ऑर्डर वो बॉलर थे, बॉलर के बाद वो बैट्समैन बने, बैट्समैन के बाद आपने उनको कप्तान बना दिया, हाँ। और वो 9 बॉलों पर 1 रन बनाते हैं T20 के अंदर। अब बात करते हैं इंडिया की,
इंडिया की टीम को कभी भी अपनी टीम के साथ अभी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्यों? कि उनका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से इंडिया के अंदर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चलता है, जिस तरह उनकी स्कूल क्रिकेट चलती है, मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान उसका 50% भी कर लेना, 50% भी वो इंप्लीमेंट कर दे पिछले आने वाले 5 सालों के अंदर, मैं आपको दावे के साथ ही कह सकता हूं, दावा तो खैर खुदा की जात के अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं आपको ये इस बात के ऊपर 99% श्योर कह सकता हूं कि पाकिस्तान ऐसी टीम बन सकती है कि दुनिया में किसी भी टीम को पाकिस्तान को हराना बहुत बड़ा मसला होगा और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन अगर मेरिट पर फैसले करके और उसी पॉलिसी के साथ जितना जिस पॉलिसी के ऊपर इंडिया अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट चलाता है, जिस तरह अपने प्लेयर्स को रेवेन्यू देता है, जितना प्लेयर को सपोर्ट करता है, अगर आज अपने मुल्क में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना आप क्योंकि प्लेयर को इज्जत देनी है, मेरिट को इज्जत देनी है। साथ ही अहमद, यू नो इंडिया कमांड में है, इज अ गुड बैटिंग बाय जसवाल एंड केएल राहुल, आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जसवाल, सो यू नो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड, एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सबके अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला, तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो 4th मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल, पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे अभी रिसेंट मैच हुए हैं जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि पर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है, बुमराह जिस तरह भी बात की, बहुत जबरदस्त बॉलर है, साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन, बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं, लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान दो तीन तीन दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर तीन तीन दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं, लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे है पीछे आए, इन बिटवीन नहीं रहे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली मजबूर नजर आने लग गए, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच अभी से हार गया। इंटरेस्टिंगली आप ये बात कर रहे हैं, बिकॉज कमेंटेटर सेड द सेम थिंग, दे सेड द सेम स्पॉट ऑन ऑन दैट, कि सेड द बॉडी लैंग्वेज इज, तो आप हमें इजी ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट प्लेयर चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो पाकिस्तान मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑन गोइंग टेस्ट मैच ने उन्हें हैरान कर दिया है और इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ साथ उनकी टेंशन भी बढ़ रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन बैटिंग लाइनअप की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट किया है। केएल राहुल ने 62 रन और यशस्वी जायसवाल ने शानदार 90 रन की इनिंग खेली। दोनों ने अपने क्लेम और कंपोज्ड नेचर से ऑस्ट्रेलिया बॉलर को फ्रस्ट्रेट कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान मीडिया का यह कहना है कि इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जो नए टैलेंट्स को प्रिपेयर करता है। जायसवाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो हाई प्रेशर सिचुएशन में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। उन्होंने ये भी माना कि इंडिया 400+ का टारगेट सेट करता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मैच को बचा पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन को कैसे कन्वर्ट करता है। कल का दिन मैच का फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा और लगता है कि इंडिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को एक टफ लेसन देने वाला है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि इंडिया कल का मैच अपने नाम करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।